राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड देहरादून में दून विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर संबोधित शिक्षण संस्थान में अनुसंधान नवाचार ने बढ़ाव देवा माथे देना जोर। संसद रा शीतकालीन सत्र दौरान खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कह लाट वर्षा में विभाग रो बढ़ो तीन गुना बजट। राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह चावल निर्यात में बैरी है बढ़ोतरी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नवी सरकार रा गठन की प्रक्रिया भी तेज। आबाड़ा सोमवार ने गुजरात में वेला भाजपा री नवी सरकार रो गठन। शिमला में कांग्रेस रा नुवा चुना गया विधायकारी बैठक सु पहली हंगामो। पहले आला शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी प्रदेश की कांग्रेस सरकार माले साध्या निशानो। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था माले जताया चिंता। आज जोधपुर रा भोंगरा गांव में ब्यारा जलसा के दौरान गैस सिलेंडर फाट पासू पांच जना री मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सफाखाना में कर्या घायला सो मुलाकात। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरों विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरा रे दूसरे दिन आज दून विश्वविद्यालय रा सालाना दीक्षांत जलसा में शामिल किया। जलसा में बोलता थका राष्ट्रपति कहा कि किणी भी देश री प्रगति उरा मानव संसाधन री गुणवत्ता माथे निर्भर करे है। वे कहा कि देश ते विकसित बनावा में नौजवाना री महत्वजोगी भूमिका है। इन मौके वे शिक्षण संस्थान में अनुसंधान और नवाचार ने बढ़ाव दीवा माथे जोर दीना। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति 2021 बैच के स्नातक और परास्नातक के 653 और पीएचडी के 16 विद्यार्थियों को उन्होंने डिग्री प्रदान की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षण संस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता परक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया और राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेली मेडिसिन की सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 97 फाउंडेशन कोर्स के विदाई समारोह में कहा कि आप देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं। आज आपसे मिलकर भारत की विविधता में एकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। वहाँ के
लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तो की सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। विभिन्न सर्विस के आप सभी 455 प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस एकेडमी का मोटो दिखा ही है होगा, शीलं परम भूषणम, अर्थात कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वैल्यू। आपके प्रशिक्षण की पद्धति कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर की बड़ी महत्ता है। आपको समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए संवेदनाशील रखनी होगी। एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी ही एक सिविल सर्वेंट्स का आभूषण है। यही गुण आपको पूरी सेवा अवधि में आत्मबल देंगे। संसद का शीतकालीन सत्र दौरान आज लोकसभा में जानकारी देवता थका युवा और खेल मामला मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि देश में खेल के प्रति नौजवाना में रुझान लगातार बढ़तो जा रही है। बरस 2022-23 में खेल बजट बढ़र 3062 करोड़ रूपया बैग्यो है, जिन्हें लगातार खेल सुविधा विस्तार माला खर्च कर जा रही है। पठे राज्यसभा में एक सवाल रो जवाब देवता थका कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहा कि लारला एक दो वर्षा में चावल री 8 नवी किस्म बनाई की है, जिनसो चावल रो निर्यात बढ़ो है। जी ने कहा कि हमारे यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी रवि दहिया, ऐसे खिलाड़ी बाकियों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सब से ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और ये भावना हमें समाज और हर क्षेत्र में लेकर जानी है। और इसी भावना के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी अगर मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके बातचीत की और जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए, और जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं, तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है, इसमें भी भारी सुधार हुआ है। खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था, तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम्स, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, किसान भी इस परेशानी से जूझ रहा है, किसान की आय बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, अच्छे चावल की निर्यात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों पे इस 5 वर्ष में कितने अनुसंधान किए गए चावल की उन्नत किस्म को बढ़ाने के। ऑनरेबल मिनिस्टर, तो वे खुशी है कि आईसीआर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई वैरायटियां हैं जो चावल की इजाद की गई है, और एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी कई नई वैरायटियां तैयार की इजाद की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूसा बासमती के तौर पर भी नई वैरायटी आई है। इसके अंदर जैसा कि एक हमारी जो वैरायटी है जिसमें RI 64 है और एक RI स्वर्णा भी है,
और इस तरह से टोटल वेराइटियां हैं वो 8 नई वेराइटियां अभी पिछले 1-2 साल के अंदर नई वेराइटी आई है, जिससे कि वो विदेश के अंदर जाती है तो कुल मिलाकर कुछ यूरोपियन कंट्री के अंदर एक विषय आया था जिसमें हमारे जो किसान पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ट्राइक्लोजोल जो उपयोग करते हैं, उसकी वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अब उसी की ध्यान में रखते हुए ये जो नई वेराइटियां तैयार की है जिसकी वजह जिसके अंदर जिंक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी वेराइटियां तैयार की है जिसकी वजह से आज उत्पाद जो एक्सपोर्ट है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल की बनिस्पत इस साल जस्ट जो 2021-22 में जो एक्सपोर्ट चावल हुआ था वह 1.7 करोड़ टन था, जो इस साल बढ़कर 2.12 करोड़ टन हो गया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नवी सरकार का गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सोमवार ने गुजरात में भाजपा की नवी सरकार बनाई जावला, वटे हिमाचल रा शिमला में कांग्रेस रा नवा चुना गया विधायक की बैठक से पहले कांग्रेस परिवेक्षक रे सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रा समर्थन में जमर हंगामो करयो गयो। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी, लेकिन इस अहम बैठक से पहले शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जमकर खींचतान चल रही है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सबसे आगे हैं। इसके अलावा पूर्व हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल और पूर्व मंत्री चंद्र कुमार के नामों पर भी चर्चा चल रही है। इससे पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर मजबूत दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान भी इस बात को जानता है और मुख्यमंत्री पद पर विचार रखते हुए आलाकमान इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। दे कैनॉट निग्लेक्ट हिज फैमिली, दे कैनॉट निग्लेक्ट बिकॉज उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाईकमान भी नहीं करेगी। अब हमारी बैठक होगी शाम को, फिर निर्णय करेंगे। 4 बजे बैठक बुलाई गई है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और राजधानी शिमला में होने वाली कांग्रेस विधायकों की बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की बड़ी चुनौती सामने है। और गुजरात की बात करें जहां 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 12 बजे के करीब राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। जानकारी के मुताबिक पार्टी की ओर से अब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल को की ताजपोशी करेगी। बीजेपी की ओर से 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी है। गुजरात में भाजपा की शानदार जीत माले प्रतिक्रिया देवता थका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां देश का बुनियादी विकास में ताकत देनी है। वह कहा कि गुजरात की जनता शांति, समृद्धि और सुरक्षा का मुद्दा माथे मतदान करी है। प्रदेश अध्यक्ष कहा कि गुजरात में भाजपा की जीत से राजस्थान में बैबाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ताकत मिलेला और कार्यकर्ताओं रो मनोबल बढ़ेला। विकास को ताकत दी, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, उसी तरीके से गुजरात के जनमानस ने शांति, समृद्धि और सुरक्षा के मुद्दे पर मतदान किया और यही कारण है कि गुजरात आज राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। गुजरात का मैंडेट राजस्थान में 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएगा
और यहाँ के समर्थक और शुभचिंतकों को ऊर्जा देगा, उनको प्रेरणा देगा। इसलिए गुजरात की जनता को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम से गुजरात की 43 सीटों पर प्रचार किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मेरी शुभकामना और धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा ऊर्जा का काम करेगी, 23 में राजस्थान का रास्ता खोलेगी और 24 में हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले बरस देश में बड़ा G20 सम्मेलन बाबत आज राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेला। G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय जयपुर में पहलियाला शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी खबरनाविसा सु बातचीत करता थका प्रदेश सरकार ने घेरिया। वे कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था रा हालात चिंताजनक है। वे कहा कि जन आक्रोश यात्रा पूरा 200 विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। यात्रा रे दौरान लोगों की कई भांति समस्यावां सामाई है। प्रदेश रा कॉलेजों में 50% पद खाली पड़ा है। बठे रीट मामला ने लेर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और पहली आला तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग माला सीधो आरोप लगाया। जो 3 तारीख से विभिन्न विधानसभाओं में चल रही है, ऐसी 200 विधानसभाओं में लगातार ये यात्रा हम लोग ले जा रहे हैं। अब तक ये यात्रा 45,254 किलोमीटर चल चुकी है। तो युवाओं में जिस प्रकार से ये आक्रोश सामने आया है, उससे हमारी शिक्षा में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार की अराजकता है, वह पिछले 4 सालों के अंदर इसका बहुत ही बुरा हाल है। जब हम लोग शिक्षा विभाग मेरे पास था, तब राजस्थान 26वें नंबर से 2 नंबर पर हम पूरे देश भर में आ गए थे। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा का पूरी तरह बंटाडार कर दिया, यानी 460 महाविद्यालय ऐसे जिसमें स्थायी प्राचार्य नहीं है। गुणवत्ता की यदि चर्चा करूंगा तो गुणवत्ता में 490 में से केवल 69 महाविद्यालय ऐसे हैं जो नेक से प्रत्याहित हैं। और इस नेक के लिए, जबकि कंपलसरी है कि 2022 तक सारे महाविद्यालयों का नेक की ग्रेडिंग होनी है, रीट की परीक्षा में हुआ, रीट के साथ साथ और परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक रीट तो मैंने भी करवाई थी, हमने भी करवाई थी, कभी उसके पेपर दोनों बार लीक नहीं हुए। लीक होने में क्लियर कट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। राजनीतिक संरक्षण के कारण ही पेपर लीक हुआ। और उसमें हाल ही में अभी RPSC का जो जॉइंट सेक्रेटरी है, वे उसमें नगद फंसे गए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार की स्थिति बनी है कि वहां पे बड़े बड़े लोगों के तार हैं। मेरा तो अभी भी मानना है इस पेपर लीक में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के भी तार जुड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट आपके सामने और लगाता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहा है कि प्रदेश में अपराधारी रोकथाम खातर पुलिस सावचेत है। पुलिस महकमा का निशु लोगों ने न्याय देवा खातर सगला जरूरी कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री काल पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करया। इन दौरान वे भू माफियावां के खिलाफ कार्रवाई खातर कमेटी बनाबारा हुक्म देना, साथ ही रात 8 बजे पछे दारू री दुकाना खुली रहबा माथे सख्ती करवाने कहा। मुख्यमंत्री कहा कि जिला रमाए आपराधिक गतिविधियां चला बड़ा गैंगा माथे भी लगाम लगाई जावला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल पुलिस मुख्यालय में यातायात पुलिस रे वास्ते दी जा रही इंटरसेप्टर ने देखा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक VK सिंह बताया कि 25 इंटरसेप्टर आधुनिक डिजिटल GPS वाईफाई और इंटरनेट तकनीक से लैस है। इन रमाए उच्च गुणवत्ता
हाई डेफिनेशन कैमरा समेत 1 किलोमीटर दूरी सु गतिविधि माप पारी क्षमता रा स्पीड लेजर गन मौजूद है। आज विश्व भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनायो जा रियो है। इन मौके एसीबी मुख्यालय जयपुर रमाए एसीबी का निशु वहां सगला लोगों को आभार जताये गयो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। एसीबी डीजी बीएल सोनी बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस री सरकार री नीति ने अपनार विकास ने तय करियो जा सके है। वे लोगों से घूस री मांग कर वाला कर्मचारी री तुरंत शिकायत एसीबी ने करबारी अपील करया। लोग एसीबी का निशु जारी टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर माथे भी शिकायत दर्ज करा सके है। परिवादियों को कंप्लेनेंट्स को जिन्होंने कि हम पर विश्वास व्यक्त करके और हमसे संपर्क किया और हमारे साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ाया बड़ी संख्या में पिछले 2 सालों में, हम उन सब का बहुत ही आभार प्रदर्शित करते हैं और हम उनको एक बार फिर से विश्वास दिलाते हैं कि पूरा ब्यूरो, सारे कार्मिक हमारे ब्यूरो के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरे ईमानदारी से हम आज कटिबद्धता दोहराते हैं हमारी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अच्छी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। जोधपुर में शेरगढ़ रकने भूंगरा गांव रे माए काल ब्यारा जलसा रे दौरान 5 गैस सिलेंडर फाट जाबा सु 2 टापरा समेत 5 जना की मौत भे गई। हादसा रे माए 60 जना झुलस गया जाने जोधपुर महात्मा गांधी सभाखाना में भर्ती करवाया गयो है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल बताया कि यो हादसो खानो बनाओ ती बेकत गैस रिसाव सुवियो। घटना की जानकारी मिलता ही मौका माले पुलिस प्रशासन अधिकारी और जन प्रतिनिधि पुग्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पुग्या जठे वे घायला सु मिलबा सपाकाना गया। मुख्यमंत्री हादसा माले दुख जताओ तथा जिला कलेक्टर ने घायला रा सावल इलाज खातर हुक्म देना है। कोई कमी नहीं रहे, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं, अच्छा इलाज हो रहा है। फिर भी मैंने कहा क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा जयपुर में होता है तो जयपुर की टीम और भेज देंगे और थोड़ा बहुत यहाँ देख लेंगे, असिस्ट कर देगी, सेव कर देगी यहाँ के डॉक्टरों को। यहाँ के डॉक्टर भी पूरी तरह लगे हुए हैं कि कैसे मतलब हम लोग बचा सकें। तो ये स्थिति है, मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट है। जो तत्काल कार्रवाई हुई है वहाँ SDM पहुँच गए, वहाँ पर प्रधान साहब सरपंच साहब तो लगे थे गांव के, और गाँव वालों ने खूब मदद करी। जिनमें जो गाड़ी थी घोड़े थे उन्हें लेके आगे फटाफट टाइम ले लिया है, वो भी अच्छा है, अच्छा किया। सब तरीके से मैं समझता हूँ इलाज ठीक हो रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक विजय शर्मा काल जयपुर मंडल रा अलवर जयपुर रेलखंडी सालाना जांच करया। इन दौरान वह अलवर स्टेशन माथे दिव्यांग जनारी सुविधा खातर डिजिटल संकेतक भाषा सूचना प्रणाली री कार्य प्रणाली और निर्माण से जुड़ा विकास रा कामकाज बाबत जानकारी लेना। इन पछे स्टेशन माथे परिचालन महकमा का निशु डिजिटल डाटा बैंक QR कोड ने दर्शाये गयो। जांच रे दौरान महाप्रबंधक मालाखेड़ा स्टेशन माथे स्मार्ट AMC ऐप रो उद्घाटन भी करया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर शोधकर्ता कैटेलिटिक मटेरियल लो विकास करियो है जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सु बत्ती शुद्ध हाइड्रोजन रा उत्पादन खातर सहायक पहला। IIT रा रसायन विज्ञान महकमा रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश के शर्मा बताया कि शोध में सूरज री रोशनी सु पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलो गयो है। वे बताया कि हाइड्रोजन उद्योग, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध वेला। मेरा रिसर्च का शोध का और रिसर्च का जो विषय है वो है नए मटेरियल बनाना और उत्प्रेरक बनाना। इसी कड़ी में हमने नया उत्प्रेरक बनाया है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए ये जो डिस्कवरी है ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
जयपुरा रविन्द्र मंचरा मुख्य सभागार में काल राजस्थानी नाटक गोरी श्रृंगार करे ढोलो पानी भरे रो मंचन करो गयो। केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय कानीसू नाट्य धर्मी संस्था कानीसू राखी चरण नाटक रो निर्देशन कुलदीप शर्मा करया। या नाटक शुभकरण दाथीज कानीसू लिखियो गयो है। प्रदेश का तापमान में गिरावट से जाड़ा में बढ़ोतरी भी है। आज सुवारा सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी में कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। जयपुर केन्द्र निदेशक राधेश्याम शर्मा रे मुजब आवाड़ा 48 घंटा रे दौरान राज्य रा उत्तरी और पूर्वी हल्का में न्यूनतम तापमान रे माय 102 डिग्री की गिरावट बह सके है। 1113 दिसंबर तानी दक्षिणी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर संभाग रा जिला रे माय थोड़ा घना बादला मंडा रे बारो अंदाजो है। अरब खास खबर एक कर्फ्यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड देहरादून में दून विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने करे संबोधित शिक्षण संस्थान में अनुसंधान नवाचार ने बढ़ाओ दीपा माथे दीना जोर। संसद रा शीतकालीन सत्र दौरान खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गया लाल 8 वर्षा में विभाग रो बढ़ो 3 गुणा बजट। राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गया चावल रा निर्यात में बैरी है बढ़ोतरी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नुवी सरकार रा गठन की प्रक्रिया भी तेज। आवाड़ा सोमवार ने गुजरात में वेला भाजपा री नुवी सरकार रो गठन। शिमला में कांग्रेस रा नुवा चुना गया विधायकारी बैठक से पहली हंगामो। पहलियाड़ा शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी प्रदेश की कांग्रेस सरकार माला साधन निशानो। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था माला जताया चिंता। आज जोधपुर भूंगरा गांव में ब्यारा जलसारे दौरान गैस सिलेंडर फाट पास 5 जना की मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सपा खाना में कर घायला सो मुलाकात। इंडा साथे ये खबर आठ ही पूरी से नमस्कार।